तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल गॉड टेक्निकल। दोस्तों सिखाना मेरा काम, सीखना आपका। सीधे टॉपिक पर आ जाते हैं। कई दिनों से मुझे एक कमेंट्स बड़ा ज़्यादा हाईलाइट हो रहा था और बहुत ज़्यादा कमेंट्स में मुझे आ रहा था, तो श्री बाबूलाल जी का एक कमेंट मेरे को मिला और ऐसे बहुत सारे कमेंट मुझे मिले जिसमें ये पूछा गया है कि शेयर चैट पर जो पैसे हमको मिलते हैं वो लाइक के मिलते हैं या फिर हमें व्यूज़ के मिलते हैं। तो आज के टॉपिक पर हम यही बात करने वाले हैं दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा, जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और चाहते हैं शेयर चैट की वीडियोस ऐसे ही देखना, तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दो ताकि शेयर चैट से जितने भी रिलेटेड वीडियोस होती हैं मैं आप तक पहुंचाऊं और आप तक पहुंच जाए, इसलिए नोटिफिकेशन बेल का यूज करना होता है, तो नोटिफिकेशन बेल याद से दबा दें। ठीक है दोस्तों, तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो देखिए, बाबूलाल जी से नहीं, मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूंगा, जो लोग शेयर चैट यूजर हैं, जो शेयर चैट यूज करते हैं, क्रिएटर हैं, भाई उन लोगों के लिए मेरी तरफ से यही बात है कि आपको शेयर चैट पर जो पैसा मिलता है वो ना तो लाइक का मिलता और ना व्यूज का मिलता। समझ पा रहे हो, ना तो लाइक का मिलता ना व्यूज का मिलता, लेकिन देखा जाए तो आपको पैसा लाइक और व्यूज का ही मिलता है। अब इसमें फंडा क्या है, कैसे कैसे या क्या मेथड है इसका, तो इसके बारे में आपको बताऊं। हमको जितने भी हम पोस्ट डालते हैं उस पोस्ट पे कितने लाइक्स हो रहे हैं, कितने उस पे व्यूज आ रहे हैं, एक तरफ तो ये कॉलम में आप चेक करो। ठीक है, थोड़ा सा समझने वाली बात है। अगर आज इस वीडियो को आपने समझ लिया तो शायद आप लोग आज जान जाओगे कि आपको पैसा लाइक का मिल रहा है या फिर व्यूज़ का। तो एक कॉलम में आपने लाइक और व्यूज़ देख लिया आपके पोस्ट पर कितने हैं। ठीक है, आपने पर डे 1, 2, 3, 4, 5 वीडियो ऐसी डाली या 6-7 वीडियो ऐसी डाली जिसमें आपने टोटल लाइक और वीडियोज़ में जितने भी शेयर्स और कमेंट्स हैं टोटल एक बार लिख लो कि आज मैंने 10 वीडियो डाली, उस 10 वीडियो में से एक वीडियो उसका व्यूज़ इतना है, दूसरे का इतना, तीसरे का इतना, व्यूज़ कैलकुलेट कर लिए, लाइक कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, अब दूसरी ओर क्या करना है आपको, दूसरी ओर आता है आपका पूरे हफ्ते का। तो जो पूरे हफ्ते का आपने सेम वही चार्ट आपको बना लेना है पूरे हफ्ते का भी बिल्कुल वैसे ही, तो उसमें होता क्या है आप देखिए, पूरे हफ्ते में आपके जितने भी ज़्यादा 3 वीडियो ऐसी उठाई जाती हैं जिसमें सबसे ज़्यादा लाइक्स आपके आए हों, जिसमें सबसे ज़्यादा व्यूज़ आपके आए हों, कमेंट्स अच्छे अच्छे मिल सकते हैं उसके अंदर, ये 3 चीज़ें उठा लेता है शेयर चैट। जब ये 3 चीज़ें उठा लेता है वो, तो इनको क्या करता है, इस कॉलम में डाल देता है। अब इस कॉलम में आपको क्या है, आपने यहाँ पे चाहे 100 वीडियो बनाई पूरे हफ्ते में, ये आपका कॉलम है, लेकिन इस कॉलम में उसने क्या करा शेयर चैट ने, 3 चीज़ें उठा ली जिसपे लाइक शेयर व्यूज़ 3 चीज़ें अच्छी आई, वो इस कॉलम में उठा के डाल दी। अब इस कॉलम में जो डाली है उसने एक आपके पूरे हफ्ते में से जितने ज़्यादा व्यूज़ पोस्ट पे हुए होंगे किसी एक पोस्ट पे या कोई 2-3 पोस्टों पे, तो उनमें से 3 पोस्ट उठा लेगा पूरे हफ्ते में से। ध्यान से समझना इस चीज़ को, 3 पोस्ट वो उठाएगा जिसमें सबसे ज़्यादा लाइक्स होंगे, आपके कमेंट्स और व्यूज़ आए होंगे, वो पोस्ट को उठा के इस कॉलम में शेयर चैट डाल देता है। अब ये कॉलम क्या है, इस कॉलम के आधार पर एक आपको स्कोर मिलता है, आपकी एक रैंकिंग होती है, कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं इस कॉलम के अंदर जो शेयर चैट आपको देता है। जब वो स्कोर आपको मिलता है, जब वो पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं, उस पॉइंट्स को क्या करता है शेयर चैट, आपको पैसों में कन्वर्ट कर देता है। तो जब वो पैसों में कन्वर्ट हो जाता है तो आपके टोटल जो अब जिस आधारित पे आप पैसा कमा रहे हो वो आ जाता है आपका स्कोर और पॉइंट। ध्यान से समझना इस चीज़ को, स्कोर और पॉइंट आपका अर्निंग सोर्स हो जाता है। यहाँ कॉलम में जो आपने बनाया था उस कॉलम में पूरी की पूरी बात है कि आपने एक हफ्ते में इतनी वीडियोज़ डाली, उस वीडियोज़ में से जितने भी 3 वीडियोज़ ऐसी होनी चाहिए जिस वीडियो में आपके सबसे ज़्यादा कमेंट्स होंगे, सबसे ज़्यादा हाईलाइट्स वीडियो होंगी यानी कि व्यूज़ आए होंगे, और यानी कि इस पर लाइक्स वाइक्स सब आप कैलकुलेट करते हैं शेयर चैट वाले, आप नहीं कर सकते। आप हो सकता है कि आपको लगता है कि 2-4 वीडियो ऐसी हैं कि भाई उस पर लाइक मेरे अच्छे आए हैं और वो उसने सजेस्ट नहीं की, नहीं, सिर्फ 3 ही वीडियो शेयर चैट उठाता है, फिर शेयर चैट ने डाल दिया उसको अपने इधर सेक्शन में, इस सेक्शन में आने के बाद वो कैलकुलेट करता है आपकी वीडियोज़ के अनुसार, आपको स्कोर देता है, उस स्कोर के बाद आपका एक पॉइंट जनरेट होता है जिस पॉइंट के अनुसार आपको पेमेंट मिलती है अर्निंग की। अब यहाँ तक अगर आपको ये बात समझ में आई हो कॉलम वाली, तो यहाँ जितनी भी आपकी अर्निंग होती है वो स्कोर से मिलती है और पॉइंट से मिलती है, इन चीज़ों को आपने समझना है। जब आप अपने शेयर चैट ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद माय प्रोफाइल में जैसे ही आ जाएंगे, अपने प्रोफाइल में आने के बाद देखेंगे जहाँ लीडरशिप का ऑप्शन लिखा होता है, ठीक है, जैसे ही आप वहाँ पर चैंपियनशिप पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कुछ आपको इंटरफेस खुल के आता है जिसमें लीडर बोर्ड टाइप का एक बना हुआ आता है, तो जिसमें रैंकिंग होती है 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 5 लोग होते हैं, और उन 5 लोगों का देखेंगे आप
तो एक रैंक लिखा होता है उनका, कितने रैंक हैं, कितने पॉइंट हैं उनके, और पॉइंट के बाद उन्होंने कितनी अर्निंग करी। ये तीन चीज़ें वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और एक दो तीन चार पाँच होता है, और पाँच के बाद आप जिस भी नंबर पे हो वो नंबर उस छठी लाइन में आता है। जैसे मान लो पाँच नंबर तो हो गए, वो एक टॉप वन है, सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ, इस तरह से। और आपका नंबर 700 या 800 पे है, या 600 या 200 पे है, या 100-150 पे, तो आपका छठी लाइन में आ जाएगा आपका नंबर 133, आपका स्कोर, आपके पॉइंट्स, आपका अमाउंट, ये आपका आ जाता है। तो ये इस सेक्शन में आ जाता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आपको शेयर चैट जो पेमेंट कर रहा है वो लाइक और व्यूज़ के ही कर रहा है, लेकिन उन लाइक और व्यूज़ को हफ्ते के तीन वीडियो उठाकर एक कॉलम पे ले आता है। उस कॉलम में आपको शेयर चैट की तरफ से एक स्कोर पॉइंट्स मिलते हैं, जिस स्कोर पॉइंट को कन्वर्ट करके आपकी अर्निंग जनरेट होती है, यानी कि अर्निंग निकलती है, पैसे निकलते हैं। तो वो पेमेंट फिर आपके उस अकाउंट में दिए जाते हैं जो आप पेमेंट के थ्रू या फिर बैंकिंग के थ्रू देते हैं। तो यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि ज़्यादातर पेमेंट ही इसमें पेटीएम यूज़ होता है, तो सब लोगों को पता है, तो पेटीएम में आपका मिल जाता है पेमेंट आया हुआ। तो ये हो गया एक हफ्ते का व्यूज़, यानी कि एक हफ्ते का मैंने अभी तक टारगेट बताया। अब बात होती है पूरे महीने की कैलकुलेट करके कैसे आते हैं। तो सीधी बात यह है कि जो प्रोसेस आपका हफ्ते में चल रहा है वो वीकली आपका पहुंचता है, यानी कि हर हफ्ते आपका वही कैलकुलेशन होता है। पूरे आपके पोस्ट को उठाकर आपके व्यूज़ देखे जाते हैं, लाइक्स देखे जाते हैं, शेयर देखे जाते हैं, और उसको डाल देते हैं इस कॉलम में, जिसमें आपके शेयर में आ जाने के बाद आपके कमेंट्स, आपके शेयर, जब सब कुछ कैलकुलेट होते हैं तो उसके बाद शेयर चैट आपको अर्निंग का चांस और अर्निंग के लिए कुछ स्कोर्स और कुछ पॉइंट्स देता है, जिससे आपको अर्निंग जनरेट होती है। तो ये पूरे के पूरा हफ्ते का यहाँ शेड्यूल यहाँ निकलता है, उसके बाद यहाँ पे कुछ होता है, होने के बाद आपकी अर्निंग आती है जो कि आपके अकाउंट में सीधी पहुँच जाती है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर एक बार में वीडियो ये समझ में ना आए तो मेरी विनती ही समझ लो कि विनती है आप लोगों से कि आप इस वीडियो को दो तीन बार देखें, और दो तीन बार देखने में समझें कम से कम इस वीडियो में मैं बता क्या रहा हूँ, और आपने जो काम किया है क्या वैसे ही हो रहा है। तो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे मैंने आपको ये बताया है। तो शेयर चैट पर आज की वीडियो में मैंने यही आपको बताया दोस्तों कि आपके जो व्यूज़ और लाइक्स के अनुसार जो पैसे मिलते हैं क्या वो सच है या नहीं, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो आपको पैसा मिल रहा है वो लाइक का मिल रहा है, व्यूज़ का मिल रहा है, या किस चीज़ का मिल रहा है। तो आज की इस वीडियो में हमने इसी टॉपिक पर बात करी दोस्तों। अगर कुछ नहीं समझ में आया होगा तो मुझे कमेंट करके पूछने से पहले आप मेरे वीडियोस में जाइए, चैनल में जाके वीडियोस में जाइए, और टॉपिक्स आप देख सकते हैं। मैं हर एक टॉपिक पर मैंने शेयर चैट पर वीडियोस बना रखी है, और ऑलमोस्ट आप लोगों को पता है कि शेयर चैट पर वीडियोस मैं ही बनाता हूं दोस्तों। तो यहां तक अगर आप लोगों को पता है तो उसके बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप भूल जाते हो, वीडियोस देख लेते हो लेकिन जाते जाते एक चीज़ भूल जाते हो, जो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल को, यानी कि घंटे को दबा देना। तो आज कर देना एक बार फिर से, और आज के लिए बस इतना ही। बाय।